हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए लिया है कुकर में 1 लीटर पानी और इसमें 1 TSP नमक और 1 TSP ऑयल डालकर इसको खौलने तक उबाल लिया है। और फिर इसमें डाल देंगे हम ये 350-350 ग्राम मैक्रोनी पास्ता हैं, इनको लिया है और इसमें डाल देंगे। और इनको 2 से 3 मिनट तक इनको उबाल लेंगे और फिर इनको छान कर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये उबल कर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे काट कर देख लेंगे। ये देखिए, ये 80% तक पक चुकी है। तो इसको छान लेंगे और फिर इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। देखिए, हमने इनको छान कर निकाल लिया था और इनमें ठंडा पानी डाल दिया था। और देखिए कितनी खिली खिली सी हैं। फ्रेंड्स, इस पानी को भी नहीं फेंकेंगे और ये आटा गूंथने के काम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पैन गरम हो चुका है तो इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। 2 से 3 TSP ऑयल डाल लिया है और इसको गरम होने देंगे हम। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम सबसे पहले लहसुन, ये 10-15 कलियाँ हमने इसको चॉप्ड कर लिया है, और डालेंगे थोड़ा सा अदरक। अब डालेंगे थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, और ये डालेंगे 2 ग्रीन चिली। फ्रेंड्स, बच्चों के हिसाब से बना रहे हो तो थोड़ा मिर्च अपने हिसाब से डालें। और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमने लिया है ये शिमला मिर्च, 1 बड़ा साइज का शिमला मिर्च, और लिए 2 मीडियम प्याज और 1 गाजर। इसको बारीक काट लिया है, इन दोनों को भी बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले डालेंगे हम अपनी प्याज। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा भून चुका है, इसमें डालेंगे हम टमाटर, और ये लिए हैं हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर, इनको बारीक काट लिया है और इसमें डाल देंगे अब। इसमें डालेंगे 1 TSP नमक, और आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। यहीं पर लेंगे हम थोड़ा सा 0.5 TSP लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है, इस वजह से थोड़ा कम लेंगे। और इनको थोड़ा भून लेंगे अब। फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप, फ्रेंड्स आपके पास शेजवान सॉस हो वो भी ले सकते हैं, मैगी मसाला भी ले सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो वो सब डाल सकते हैं। पर हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो घर पे रखे सामान होंगे। फ्रेंड्स, इसमें अब हम अपनी सब्जियां डालेंगे। सब्जियों को थोड़ा क्रंची ही रखना है, इसलिए कम पकाएंगे।
फ्रेंड्स ये जो मैक्रोनी पास्ता वाला पानी था इसको थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको भी एक मिनट तक भून लेंगे। अब ये थोड़ा पक चुका है एक मिनट, तो हम इसमें डाल देते हैं अपनी मैक्रोनी। फ्रेंड्स देखिए हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देते हैं, इसका एक पाउच डाल देंगे। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब ये बनकर तैयार है, तो हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। और हम गैस को बंद कर देंगे और प्लेटिंग कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।